दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने टाटा स्काई का रिचार्ज गूगल पे के थ्रू कर सकते हो। अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से आप देख लीजिए। सबसे पहले आप करते हैं गूगल पे का जो एप्लीकेशन है उसको आपको ओपन करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने गूगल पे का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन किया है। अब हम टाटा स्काई का रिचार्ज गूगल पे के थ्रू करने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करना है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू पेमेंट का ऑप्शन, एक न्यू पेमेंट का ऑप्शन आपको पॉपअप करके विंडो आ रहा है न्यू पेमेंट का। तो सिंपली आपको क्या करना है, न्यू पेमेंट वाले ऑप्शन पर एक बार टैप करोगे उसके बाद ये आपको इस पेज पर ले जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिख रहा है पीपल एंड बिल्स का, उसके नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है मोबाइल रिचार्ज का, उसके साइड में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है बिल पेमेंट्स का। तो सिंपली आपको क्या करना है, बिल पेमेंट्स वाले ऑप्शन पर आपको एक बार टैप कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल पेमेंट्स वाले ऑप्शन पर टैप कर दिया मैंने। उसके बाद पे योर बिल्स एंड डीटीएच, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो सबसे ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पर डीटीएच या केबल टीवी, तो उस पर आपको चले जाना है। ऊपर आपको दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ पर डीटीएच केबल टीवी, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो यहाँ पर हम करते हैं क्लिक डीटीएच केबल टीवी वाले ऑप्शन पर। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑपरेटर हैं डीटीएच ऑपरेटर यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी का भी रिचार्ज कर सकते हो, एयरटेल, डेटोवे, सन डायरेक्ट। तो इस वीडियो में आपको टाटा स्काई का बता रहा हूँ, इसलिए नीचे जो ऑप्शन आ रहा है सबसे लास्ट में आप देख सकते हो टाटा स्काई का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। तो आपको सिंपली टाटा स्काई ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा टाटा स्काई पर, तो यहाँ पर मैं टाटा स्काई पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों आप टाटा स्काई पर क्लिक करते हो उसके बाद ये पूछता है लिंक अकाउंट, तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सब्सक्राइबर आईडी या फिर मोबाइल नंबर। आपके पास सब्सक्राइबर आईडी और सब्सक्राइबर आईडी भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी आप सिंपली एंटर कर सकते हो। दोस्तों आप यहां पर मोबाइल नंबर तभी इंटर कर सकते हो जब आपका मोबाइल नंबर टाटा स्काई के साथ में लिंक हो। अगर आपका मोबाइल नंबर टाटा स्काई के साथ लिंक नहीं है तो तब आपको यहां पर सब्सक्राइबर आईडी इंटर करना है। सब्सक्राइबर आईडी आपको मेनू बटन प्रेस कीजिए अपने रिमोट पे, उसके बाद आपके सामने सब्सक्राइबर आईडी शो करेगा, वही सब्सक्राइबर आईडी आपको यहां पर इंटर कर देना है। ठीक है, सब्सक्राइबर आईडी आप इंटर करोगे उसके बाद यहां पर एक अकाउंट नेम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप अकाउंट नेम में कुछ भी दे सकते हो। एग्जाम्पल है ये, जरूरी नहीं है, अगर आप इसको खाली भी छोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर सब्सक्राइबर आईडी एंटर किया, उसके बाद सिंपली नीचे एक एरो आ रहा है नेक्स्ट का, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ऐसा पेज यहाँ पर शो करेगा। तो देखिए पिछली बार हमने इस पर रिचार्ज कर लिया है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपने अभी तक रिचार्ज नहीं किया है तो आपके पास कुछ भी ऐसा शो नहीं होगा, आपके पास ऐसा पेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आएगा आपके पास मेक पेमेंट का, तो सिंपली आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर यह पूछेगा कि कितने का आपको रिचार्ज करना है। जैसे मान लो आपको 300 रुपये का रिचार्ज करना है, सिंपली आपको यहाँ पर 300 रुपये टाइप करना है। आपका जो भी पैक आपने बाय कर रखा है उसके हिसाब से आपको रिचार्ज आप कर सकते हो। जो भी आपको रिचार्ज करना है सिंपली वो आपको यहाँ पर टाइप कर, जितना भी आपको रिचार्ज करना है उतना यहाँ टाइप कर लीजिए। उसके बाद नीचे प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन पे आप टैप करोगे उसके बाद आपका यूपीआई पिन ये पूछेगा आपका, सिंपली आप यूपीआई पिन एंटर कीजिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पे आप टैप कर दीजिए, आपका रिचार्ज यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों अपने टाटा स्काई का ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हो गूगल पे के थ्रू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी हेल्प या कोई क्वायरी है तो नीचे कमेंट, आप ये वीडियो शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ में ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।